नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं दीपक मिश्रा। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। सपने दिखाए गए, पूरे जज्बे के साथ सपनों को पूरा करने का वादा भी किया गया। युवा, छात्र, किसान, महिलाएं, नौकरी पेशा, व्यापारी, कारोबारी, कुल मिलाकर बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ नजर आया। सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के बजट को भी आगे बढ़ाया, साथ ही सरप्लस वाला बजट भी बताया। किसी नए टैक्स की घोषणा ना कर साय सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की, तो 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का वादा कर बड़े सपने भी जनता को दिखाए गए। तो आज हम इसी बजट जो पेश हुआ है, इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे मेहमानों से। पैनल में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बजट कितना खास, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जब से हुआ है और राज्य में भूपेश सरकार के जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में साय की सरकार आई है। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं ओपी चौधरी, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि काफी वित्तीय प्रबंधन में माहिर हैं ओपी चौधरी, और यही कारण है कि अब उनके इस वित्तीय प्रबंधन के सीख को लेते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बजट कितना खास, पहला बजट साय सरकार का, इस पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। आज पैनल में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। इस दौरान जहां उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ का खाका खींचा, तो वहीं 5 साल में GDP 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का वादा भी किया। उन्होंने बजट को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य वाला बजट बताया। साथ ही प्रदेश में बिजनेस को आसान करने के लिए, व्यापार को आसान करने के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया टैक्स नहीं रखा गया, करों की दरों में भी किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई। चलिए तो हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं पैनल में, आपसे परिचय करा देते हैं जल्दी से उनका। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता, बीजेपी नेता प्रवीण साहू जी जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस से नेता, कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी, आपकी टिप्पणी लेके चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है, काफी खुश है बीजेपी, 5 साल बाद एक बार फिर कमबैक हुआ है सत्ता में। 15 साल रमन सरकार रही, फिर 5 साल कांग्रेस की भूपेश सरकार रही। साय सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज पेश किया, छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर काफी संतुलित बजट दिख रहा है, पहला ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहता हूँ और इस मातृभूमि महतारी को जय कहता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आपके समाधि चलन के सभी दर्शकों, भगत जी को नमस्कार, दीपक जी आपको भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार इस बजट का मैं ध्येय वाक्य अपनी ओर से कहूं तो अस्तो मा सब गमय है, यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं। जिस प्रकार चुनौतियों का अंधकार है और विकास के प्रकाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस बजट ने आज इस प्रदेश को ज्ञान निश्चित रूप से प्रदान किया है। ज्ञान का अगर फुल फॉर्म आज की बात करूं तो जी से मतलब गरीब की हम बात कर रहे हैं, वाई से युवा की हमने बात की, ए से अन्नदाता की और एन से नारी की बात की। तो सभी वर्गों को लेकर चलने वाला बजट है, चाहे कृषक हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला, चाहे वो प्रत्येक क्षेत्र का हो। इस प्रकार युवाओं के क्षेत्र में आज हम देखते हैं तो 148 करोड़ के माध्यम से 22 नई लाइब्रेरीज, कृषक की बात करें तो कृषक उन्नति योजना के लिए इस प्रकार 10,000 करोड़ की राशि, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है लगातार जिसमें काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि जो विकास की गाथा पिछले 5 सालों में रुक चुकी थी, उस विकास की नदी को आगे बढ़ाने का काम कोई कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर हम आज तरस रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारी जो कांग्रेस की जो सत्ता है, जो केंद्र में थी, राज्य में थी, उनके ओर हमको देखना पड़ेगा कि जहां जल जीवन मिशन की बात करूं तो कोई काम नहीं हुआ था पिछले 5 वर्षों में, इसलिए इस सरकार ने वर्तमान वर्ष में 4500 करोड़ का आवंटन किया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो चाहे बहुत सारी योजनाएं है, अगर मैं कुछ उसके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास की प्रमुख विषय, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए हम प्रतिबद्ध थे और जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक में हमने अनुपूरक बजट के विषय के माध्यम से कहा था कि हम प्रस्तुत करेंगे, आज हमारा मुख्य बजट आया है और अनुपूरक बजट और मुख्य बजट को मिलाकर हमने लगभग 12,000 करोड़ का राशि का उसको आवंटन किया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास
हमने निश्चित रूप से जो क्रियान्वयन के लिए और पहला कदम उठाया है, ये वही प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने केवल इसलिए रोक दिया था क्योंकि योजना के आगे प्रधानमंत्री जी के नाम का उल्लेख था। यह तो कांग्रेस सरकार की नीति थी कि यदि किसी भी योजना में प्रधानमंत्री जी का नाम आए तो उस योजना को आगे ना बढ़ाए। वैसे अगर मैं बात करता हूं तो कृषकों के लिए, कृषक उन्नति योजना के लिए हमने लगभग 10,000 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जिस प्रकार अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा जो बजट है वो 22% वृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और हमने कोई नया टैक्स लेकर नहीं आया और ना ही किसी टैक्स की दरों में वृद्धि की है। इस प्रकार आदरणीय ओपी चौधरी जी ने अभूतपूर्व बजट किया है, प्रस्तुत पेश किया है, जिन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारा जो जीएसडीपी है लगभग 5 लाख करोड़ है और हमने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 5 सालों में हमारे जीएसडीपी को हम 10 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर कोई हम नया टैक्स लेकर नहीं आए, ना ही अगर टैक्स के दरों में वृद्धि अगर हमने नहीं किए, तो निश्चित रूप से सुशासन का परिचय है, जहां पर पिछले 5 सालों के अगर हम देखें तो लगातार राजस्व में हानि पहुंचा रहे थे, चाहे शराब के घोटाले की हम बात करें या कोयले के परिवहन की बात करें या कोयले के दलाली की बात करें। इन विषयों का आज उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निश्चित रूप से ये राजस्व पर प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा रहे थे। तो ये बजट ये प्रस्तुत करता है कि यदि सरकार सच्ची निष्ठा और सच्ची नियत से काम करे तो निश्चित रूप से राज्य का विकास हो सकता है। बजट के कुछ चुनिंदा पॉइंट मैं आपको और भी गिनाता हूं कि पहली बार इस प्रदेश ने देखा है कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है 22,300 करोड़ का जो है आवंटन हमने किया है, जो कि बाकी अगर हम वर्षों की तुलना करें तो सर्वाधिक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में केवल 12% की वृद्धि थी, लेकिन हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी आधारभूत संरचना का निश्चित रूप से आधार है उस पर हम 20% की राशि की वृद्धि करते हैं, निश्चित रूप से हमारे संकल्प को यह प्रतिपादित करता है। साथ ही अगर बात करूं तो यह पहला बजट है जहां पर अभूतपूर्व विकास हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा रेवेन्यू सरप्लस जो है 1,060 करोड़ होने वाला है। तो ये पहली बार किसी ने देखा है कि इतना वृद्धि प्रत्येक क्षेत्र में, उसके बावजूद यदि रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी, उनके कार्यों की प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आज प्रदेश ने बहुत अच्छा बजट देखा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवीण जी ने इस बजट को लेकर अपना ओपनिंग रिमार्क दिया है और छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर वो काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं इस बजट की। अब चूंकि विपक्ष में कांग्रेस है तो विपक्ष इसे कैसे देख रही है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। शशि भगत जी हमारे साथ बने हुए हैं। शशि जी, क्या कहेंगे आप? आपके 5 सालों की सरकारों के वक्त जो बजट पेश हुआ सदन में, अभी भी कई ऐसी योजनाएं जिन्हें जरूर आप सत्ता में रहकर आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहला बजट साय सरकार का, जितना मोटे तौर पे मैं समझ पा रहा हूं कि फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर सरकार ने इस बजट में एक अपना खाका तैयार किया है और कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा है, जनता को ये मैसेज देने की भी कोशिश की है। इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, शशि जी। जोहार छत्तीसगढ़। ये बजट जो है सिर्फ एक टार्च बेचने वाले का हिसाब किताब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए क्या स्वरूप रहेगा, क्या होगा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा या नहीं, धान का बोनस पंचायतों में एक मुश्त कब मिलेगा, महतारी वंदन योजना के 17 लाख जो फॉर्म हमारी बहनों ने भरा था, माताओं ने भरा था, उसपे जो कंडीशन कर करके उनमें जो कटौती करने का प्रयास चल रहा है, ये सारी चीजें क्लियर कब होगी, किस तरह की बात होगी, इन सब का उल्लेख कहीं है नहीं। रहा सवाल रोजगार का, 1 लाख रोजगार देने की बात हुई थी, केंद्र सरकार ने 2 लाख रोजगार की बात करी थी, इनने 1 लाख रोजगार की बात करी, लेकिन रोजगार के लिए इनने क्या कुछ किया ये बात स्पष्ट इसलिए नहीं है कि ये लोग एन प्रकार पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षीय सरकार में आउटसोर्सिंग का मसला आया था, इसी तरह की कोई योजना लाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं। ये तो कंडीशन लगा लगा के महतारी वंदन योजना को जिस कदर कर दिया है लोगों ने, आप एक बात बताइए, बहुत सारी माताएं ऐसी रही हैं जिन जो लोगों ने ये सोचा कि ये सरकार आते साथ हमको महतारी वंदन योजना का रुपया मिलेगा, लेकिन इन्हें कंडीशन ऐसा ऐसा लगा दिया, शादी होना है ठीक है, लेकिन जो कुंवारी लड़की है एज ओवर हो जाता है, किन्हीं बीमारियों से परेशान रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, उन सभी के लिए क्या योजना है उसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। अभी मैं इन सब के से इतर एक और बात बताना चाहता हूं। स्नेक पार्क जो श्री विष्णु साय जी का एक बहुत बड़ा योजना था, स्कीम थी, जब सांसद थे तब भी, 3-3 बार सांसद रहे तब भी, उस पे क्या एक ईंट भी नहीं लगी। हमारे क्षेत्र की जनता जिसको कहते हैं नाग लोग,
जहां कब चुन के आते हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उस नाग लोक के लिए कुछ ना कुछ स्नेक पार्क ही सही, कुछ ना कुछ व्यवस्था अच्छा होगा करके। एक योजना और बनी प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने का, पीपी योजना। पीपी योजना में तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे और उसका दलगत राजनीति से ग्रसित लोग रहेंगे, और ये केवल और केवल उसमें जातिवाद धर्मवाद की बात उसपे आएगी, ये क्लियर है, क्योंकि पिछला इतिहास इस बात के लिए हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग कोयले की बात के लिए, जो 2000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कर्ज ले लिया, 2000 करोड़ रुपया कर्ज के साथ चार बार इस नई सरकार ने कर्ज ले लिया। तो ये जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए तो है, लेकिन तरक्की की आड़ में इनका अपना एक एजेंडा, सेपरेट एजेंडा चल रहा है। 2047 तक ये कहते हैं 10 लाख करोड़ का बजट होगा, हम कहते हैं कि सपनों का सौदा कम करिए, अभी आपको आपको भी आगे चलना है, हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ है, लेकिन आप इतना भी नहीं कि 2047 तक आपको जनता यहां पर रहने देगी। युवाओं के लिए कोई विशेष कोई रोड मैप बना नहीं रोजगार के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जनता की इच्छा ये थी कि जूता चप्पल जैसी योजना है, और जिस पार जिसमें देखा है देखा गया कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले एक पैर में 10 नंबर का जूता है, दूसरे पैर में 9 नंबर का जूता है, तो इस तरह की योजना रही है जिसकी वजह से फेल्यूअर रही है। ये सभी चीजों का समीक्षा करने की जरूरत थी, लेकिन इनने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रहा सवाल कर नहीं बढ़ाने का, आपने कर नहीं बढ़ाया, लेकिन महंगाई तो इस कदर आपने बढ़ा दिया है, महंगाई इस कदर बढ़ा दिया है, नमक काटे में टैक्स लगा दिया था, ये सभी चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता देख चुकी है। अलग से कोई टैक्स नहीं लगाया तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ा हित का काम नहीं किया, बल्कि आप प्रत्यक्ष रूप से महंगाई का, बेरोजगारी का बढ़ा के आपने उनके माथे पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो जाएगा। चलिए शशि जी इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जितना मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूं। प्रवीण जी मैं चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अक्सर ये कहते हैं कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु के तौर पर और सबसे डेवलप्ड नेशन के तौर पर हमें सशक्त बनाना है, विकासशील देश के हम पायदान पर आ जाएंगे, हम अभी डेवलपिंग नेशन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये जो वित्त मंत्री ने जिस तरह से शुरुआत की है बयान देते हुए कि 2047 तक छत्तीसगढ़ कहां होगा, उसका भी आज सदन में जिक्र है, ये क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप। निश्चित रूप से पूरा भारत जो है 2047 तक हम उसको विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो बजट प्रस्तुत किया निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। कारण देखिए, हमारे जो मित्र है उनको केवल जो है नकारात्मक चीज इसलिए देखें क्योंकि नकारात्मक भाव है। इस प्रकार चरण पादुका की बात कर रहे थे, तो देखिए जो हमारे आदिवासी भाई है उनके पास अगर चरण पादुका नहीं थी तो हमने उनको चरण पादुका प्रदान किया था अपने पूर्ववर्ती सरकारों में। ये यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिन्होंने उनके चरण पादुका को छीन लिया था, उसके लिए दोबारा हमने प्रयास किया है और 35 करोड़ की राशि का हमने आवंटन किया है। और लगातार हमने देखिए हमने कहा था कि हम प्रत्येक वादों के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार तेंदु पत्ते के प्रत्येक मानक बोरे के लिए हमने जो राशि का आवंटन किया है वो 5500 रुपए प्रति मानक बोरा है, जो पहले केवल 4000 मिलता था उसमें 1500 प्रति मानक बोरा की अभूतपूर्व वृद्धि करके हमने 5500 प्रति मानक बोरा का जो है जो निश्चित रूप से आवंटन किया है। इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आम व्यक्ति को लाभ मिलता है तो इससे कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है, क्योंकि इनका तो एक ही ध्येय वाक्य था, इनका एक ही ध्येय वाक्य था कि केवल कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष आला कमान है, गांधी परिवार है, केवल उसका जो भरण पोषण हो। आम व्यक्ति का अगर भरण पोषण होता है तो उनसे तकलीफ होती है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम होने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम होने वाले, तो इस प्रकार जो चीजें हैं ये इनको जो है निश्चित रूप से इनको तकलीफ दे रहा है कि किस क्षेत्र में क्यों काम हो रहा है। मैं कुछ चीजें गिनाता हूं, अगर लगातार मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो हमने स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 800 करोड़ का आवंटन किया है, हमने मिल्टारिन के लोगों के लिए लगभग 325 करोड़ का आवंटन किया है, वैसे ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अंबिकापुर में के लिए हमने 50 करोड़ का आवंटन किया है। और आपको आपको बताना चाहता हूं कि 5 नवीन जिलों में जिला अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ये तो बहुत सारे विषय होंगे जो स्वास्थ्य की बात करें। ऊर्जा के क्षेत्र की बात करूं तो किसानों को 5 HP तक मुफ्त जो है बिजली मिलेगी, इसके लिए हमने 3500 करोड़ का आवंटन किया है। और कृषि पंपों के ऊर्जाकरण के लिए हमने 200 करोड़ का निश्चित रूप से आवंटन किया है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हमने 10 करोड़ का प्रावधान किया है।
तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर जनता जानती है कि ठीक है, विकास की गाथा पर कोई ले सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महत्वपूर्ण चलिए विषय दीपक जी, केवल 30 सेकंड लूंगा कि जी देखिए, विकास तब होता है किसी भी देश या किसी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र का जब वहां पर आधारभूत संरचना का निर्माण हो। पिछले 5 वर्षों में राशि का आवंटन लगातार हो रहा था लेकिन एक भी आधारभूत संरचना देखने को नहीं मिली। लेकिन इस राज्य में भाजपा की जब सरकार होती है तो राशि का आवंटन भी होता है और धरातल पर आपको चाहे सड़कें हो चाहे पुलों सब देखने को मिलता है। पिछले साल आप देखेंगे तो सड़कों के लिए राशि का आवंटन हुआ था लेकिन जो सड़कें भाजपा ने बनाई थी उसका तक कायाकल्प नहीं कर पाए थे। यह तो इनको दीती है कि केवल आप भ्रष्टाचार करिए ठीक पलटा है, धार करिए, लेकिन जिस प्रकार से हम सड़क बनाते हैं पुल बनाते हैं उस प्रकार हम देश को विकास की ओर लेकर जाएंगे। चलिए मयंक चतुर्वेदी जी का अब हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, छत्तीसगढ़ की राजनीति पे नजर रखते हैं। मयंक जी आपका स्वागत है पैनल में, आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग रिमार्क, पहली टिप्पणी आपकी, आज जो बजट पेश हुआ है संतुलित बजट है, कोई नया टैक्स नहीं जुड़ा है, फ्लैगशिप योजनाओं का इसमें एक खाका साय सरकार का दिख रहा है, सरकार में आने के बाद ओपी चौधरी के इस बजट पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बजट बीजेपी सरकार ने, ओपी चौधरी जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो प्रस्तुत किया है वो एक अलग तरह का बजट है। इसमें एक विजन जो है कुछ शॉर्ट टर्म का विजन नहीं, ये 5 साल का विजन नहीं दिख रहा है इसमें। इसमें हमको लगता है कि 15 साल का विजन बीजेपी लेकर के चल रही है। इस जो केंद्र सरकार के जो आगामी इसी साल जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव की झलक भी इस बजट में दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव में बीजेपी 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आई थी विधानसभा चुनाव में। एक तो महतारी बंधन योजना थी जिसके लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है, और दूसरा जो राम की जो लहर है, राम लहर पर जो बीजेपी सवार है उस लहर को वो बरकरार रखना चाहती है, और इस लहर को बरकरार रखने के लिए इसमें एक जो एक करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान तो किया गया है रामलला दर्शन योजना के लिए, यानी कि रामलला के दर्शन अयोध्या में कराने के लिए बीजेपी सरकार जो है लगातार अभी पैसा खर्च करने वाली है, और राम जो लहर है उसको कम या खत्म होने देना नहीं चाहती है। इसके अलावा धर्म से जुड़ा एक और मामला है जिसमें शक्तिपीठ परियोजना को लेकर के कांग्रेस बीजेपी ने 5 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो बजट है इसमें उन्होंने एक लॉन्ग टर्म का एक लंबा दृष्टिकोण देखा जा सकता है बीजेपी का, कि वो किस तरीके से आगामी चुनाव में फायदे के लिए इस बजट का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा बजट है और हमको लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को इससे लाभ होगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं 2047 तक छत्तीसगढ़ को, जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को हम विकासशील देश बना देंगे, ये 2047 का जो एक विजन बीजेपी ने रखा है, इस पर जो लोकसभा चुनाव भी आने हैं, वोटर्स भी इस पर राय रखते हैं कि नया टैक्स नहीं जुड़ा है, सरकार आगामी भविष्य को लेकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, कितना इम्पैक्ट होता है मायंग जी? देखिए, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो केंद्र की जो नीतियां हैं उसका एक लघु रूप है छत्तीसगढ़ का ये बजट। केंद्र सरकार जिस नीति पर काम कर रही है, उसकी जिस तरीके से देश को जहां ले जाना चाहती है, उसने एक छोटे छोटे पैरामीटर्स तय कर रखे हैं, तो उसको 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, तो उसकी जो केंद्र की जो बृहद योजना है उसको एक लघु रूप में छत्तीसगढ़ के इस बजट में दिखाया गया है। आप देखिए कि शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के और नए जो राज्य जो जिले बने हैं छत्तीसगढ़ में उनका भी ध्यान रखा गया है, वहां भी अस्पताल खोले जाने हैं, जहां अस्पताल नहीं थे वहां भी काम की बात हो रही है। तो आप देखिए, जैसे बिजली वाला एक मसला है कि बिजली बिल आधा जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होगा जो आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, लेकिन उसको अच्छी योजना थी उसको कंटिन्यू किया है। आप देखिए कि इसी तरीके से कि खाद्यान्न सहायता योजना, केंद्र सरकार पहले से जो है खाद्यान्न की सहायता कर ही रही है, उसको भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा बीजेपी को दे सकती है। चलिए शशि जी, आपसे अब मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को, पहले वो एक आईएएस अधिकारी थे, लेकिन साय सरकार में जो जिम्मेदारियां कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई है, ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय इसलिए भी दिया गया है, खबरें हैं क्योंकि वो वित्त वित्तीय प्रबंधन में काफी माहिर है, पहले आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। कांग्रेस अब ये भी आरोप लगाती है, आपके पार्टी के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा मसला सरकार के सामने रहेगा, सरकार वित्त प्रबंधन को कैसे करेगी और प्रदेश में जो प्रदेश सरकार पर जो कर्जा है इसका निपटारा कैसे होगा, ये तमाम सवाल आपकी पार्टी उठाती है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या राय रख रही है?
ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे निपटाएगी, क्या करेगी। लेकिन ये बात तय है कि श्री अभी वित्त मंत्री जी हैं ओपी चौधरी जी, उनने जो बजट पेश किया है निश्चित रूप से ग्रास रूट में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आईएएस की जो दृष्टि होती है, आईएएस की दृष्टि केवल नेताओं के बीच में कॉम्बिनेशन का होता है, जनता और नेताओं के बीच का। और अनावश्यक रूप से इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हमेशा रहते हैं एयर कंडीशन रूम में बैठ के काम करने वाले लोग, और उसको इस बात की समझ तो होती है कि जनता को लाभ पहुंचाना है, लेकिन नेताओं के बीच में सामंजस्य बनाने की स्थिति में ज्यादा रहते हैं। तो और अभी मैं अभी एक स्कीम और बनी है, मैं बताना चाहता हूँ। 5 SP का जो सिंचाई का जो पंप है, ये तत्कालीन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे तभी इन लोगों ने किया था, ये कोई नया काम नहीं है। रहा सवाल संस्कृति का, संस्कृति को बढ़ावा देने का, संरक्षित करने का, तो मैं ये बात कहता हूं कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, क्या वहां के लोगों का काम जैसे बैगा के लिए होता है, जैसे वहां होटला बनाने का काम होता है, इन सारे चीजों के लिए कोई बजट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करने का काम उनका बेहद छलावा सा लगता है, तो ये बहुत अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। दूसरा कारण उस पर यह भी है, दूसरा और अहम कारण यह भी है कि GDP 2 गुना करने की बात कहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 2047 तक ये 10 लाख करोड़ ले जाने का बात करते हैं, तो ये संशय की स्थिति पैदा करता है कि 10 लाख करोड़ जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ये दो दो लाख 2047 तक इनकी क्या सरकार रहेगी, या छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव करती है, बदलाव करेगी। अति उत्साह होना अच्छा बात नहीं है। तो क्या आप मानते हैं, संक्षिप्त में 20 सेकंड में चाहूंगा जवाब भी दे दें शशि जी, कि जो जनहितेशी योजनाएं भूपेश सरकार चलाती थी उससे काफी भिन्न है साय सरकार, उसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली का प्रभाव है, नागपुर का प्रभाव रहता है, ये दिखता है। और यहाँ की आदिवासी और आदिवासी जनता को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, इस ठीक है, बात को अवश्य जानती है जनता, और इस बात को आने वाले लोकसभाओं में सभा में इसका परिदृश्य देखने के चुनाव में मिलेगा, ये बात तय है। चलिए, समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे हम। हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े। हमने समझने की कोशिश की, बीजेपी के अपने तर्क हैं विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ के रोडमैप को लेकर वो तर्क रख रही है इस बजट के माध्यम से, और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है इस बजट से। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।